नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। टेक स्काई चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Xiaomi के Redmi 4 Prime की। तो दोस्तों, ये फोन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, हालांकि अगले साल तक शायद से ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, इसकी प्राइसिंग की, और कब इंडिया में अवेलेबल होगा, अगर अवेलेबल होगा तो क्या ये फोन लेने लायक है या नहीं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे। तो Xiaomi के Redmi 4 Prime में आपको मिलेगी 5 इंच की फुल HD डिस्प्ले जो 443 PPI के साथ में आएगी। आपको इसके अंदर मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 625 का चिपसेट जो 2 GHz पे क्लॉक्ड है। साथ ही साथ Adreno का 506 का GPU भी मिलेगा, 3 GB की RAM भी मिलेगी, 32 GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिलेगी जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ 4100mAh की बैटरी मिलेगी जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। आपको इसके अंदर एक IR पोर्ट भी मिलेगा, यानी टीवी के रिमोट कंट्रोल भी आप इससे कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिलेगा 13 MP का पीछे का कैमरा और सामने की तरफ आपको मिलेगा 5 MP का कैमरा। दोनों ही आते हैं एपर्चर 2.2 के साथ में। दोनों ही कैमरे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आपको पीछे की तरफ एक मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात, यानी प्रोज और कॉन्स, मैं आप सबके सामने इस फोन के बारे में रखने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात दोस्तों, इसका स्क्रीन बहुत अच्छा है, रेजोल्यूशन बहुत अच्छे है, स्क्रीन की शार्प डिस्प्ले दिया गया है। दूसरी बात, बैटरी बहुत अच्छी है, 4100mAh की बैटरी है और फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। तीसरी बात, इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 625 लेटेस्ट चिपसेट है जो 14 नैनोमीटर पे चलता है, 14 नैनोमीटर, बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है। यही प्रोसेसर आपको मोटरोला के मोटो जी प्ले में देखने को मिलेगा जो 25,000 रुपए का फोन है। तो वही प्रोसेसर के साथ में आएगा एड्रिनो का GPU 506, वो भी कमाल का है। गेमिंग परफॉर्मेंस आपकी अच्छी इस फोन में देखने को मिलेगी। ये थी अच्छी बातें। कॉन्स, 13 MP और 5 MP का जो कैमरा है, एपर्चर 2.2 के साथ आता है तो थोड़ा सा वीक है कैमरा। तो 9,000 रुपए की प्राइसिंग में थोड़ा वीक कैमरा है, ऑब्वियसली इतना अच्छा कैमरा आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसके अंदर जो डिजाइन है उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, ना स्क्रीन में ना बैक में। तो गोरिल्ला ग्लास या कोई ड्रैगन ट्रेल ग्लास, ऐसा कोई भी ग्लास का प्रोटेक्शन इस फोन में नहीं दिया गया है। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर अभी भी आपको एंड्रॉयड 6 मिलेगा मार्शमेलो। हालांकि फोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन अगर 2017 में लॉन्च हो रहा है तो एक नए साल में हमें एक नया स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल सकता था, नोगट, लेकिन वो नहीं आएगा, मार्शमेलो के साथ में ही आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं इसके ओवरऑल पैकेज की। तो ओवरऑल पैकेज इसकी प्राइसिंग रखी गई है $130 से $140, यानी कि 9 से 9,500 के करीब में ये फोन लॉन्च होगा इंडिया में। तो प्राइस को देखते हुए, इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए, बहुत ही कमाल का फोन होने वाला है 9,000 रुपए की प्राइसिंग में दोस्तों, अगर ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है। तो जरूर लॉन्च होगा इंडिया में अगले साल तक, तो 9,000 की प्राइसिंग में काफी अच्छा फोन देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अच्छे फोन्स रहेंगे, सस्ते भी रहते हैं, हमें अच्छे काफी पसंद भी आते हैं, सस्ते प्राइस में अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी फोन बहुत जल्दी लॉन्च होगा, बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं इस फोन की। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी Xiaomi वालों से कि जल्दी से जल्दी इंडिया फोन अपने इंडिया में भी लॉन्च करते जाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने सारी बातें आपसे इस वीडियो में शेयर कर दी है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है इस वीडियो को लेके या किसी और भी वीडियो को लेके, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए, मैं उसका जवाब देता जाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ और अपने ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करता रहता हूँ। टिल देन, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।